हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा कंप्यूटर्स और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में क्या बदलाव हुआ है। तो अभी आपको पहले PAA करना होगा, उसके बाद आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये PAA क्या है। तो आप ये एम्स न्यू दिल्ली का नोटिस देख रहे हैं, इसमें लिखा है इम्पोर्टेंट नोटिस, 29 अगस्त का है ये। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स एडवांस रजिस्ट्रेशन, PAA का मतलब यही होता है। तो ये एम्स ने एक फैसिलिटी दी है। तो आप एम्स न्यू दिल्ली का जो ये नोटिस है, इसमें दो प्रकार के रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन रखा गया है, एक बेसिक रजिस्ट्रेशन और एक फाइनल रजिस्ट्रेशन। पहले ये देखा गया था कि स्टूडेंट फॉर्म फिल करते समय काफ़ी गलतियां करते हैं, समय कम के अभाव में उनको फॉर्म रिजेक्ट होने का डर रहता है। इसी को देखते हुए पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा और उसमें बेसिक डिटेल भरी जाएंगी और उसके बाद इमेज अपलोड की जाएगी। यह बेसिक डिटेल एक्सेप्ट हो जाने के बाद कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और स्टूडेंट्स को एक यूनिक आईडी दे दी जाएगी और इसकी जो ये डिटेल है वो इस यूनिक आईडी के साथ में स्टोर कर ली जाएगी, जिससे कि स्टूडेंट को फॉर्म रिजेक्ट का डर नहीं रहेगा। क्योंकि ये बेसिक रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा, अगर एक बार बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गया और एक्सेप्ट हो गया तो आप उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह बेसिक रजिस्ट्रेशन फ्री रहेगा, इसमें कोई किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। तो यह बेसिक रजिस्ट्रेशन जनवरी 2019 में करवा लिया जाएगा, इसके बाद क्लोज हो जाएगा। यह आपको एक ही बार करना है, उसके बाद जब भी आपको एग्जाम देना है, जैसे 2020 में देना है, 21 में देना है, 22 में देना है, तो बार बार आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आगे आप सिर्फ फाइनल रजिस्ट्रेशन करके, फीस जमा करके आप एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी बेसिक डिटेल है वो आपकी यूनिक आईडी के साथ ऑलरेडी सेव है, उसका आप रेफरेंस देके आगे फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आगे के ईयर्स में। तो दोस्तों, एम्स का ये एक अच्छा कदम है, आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा और न ही आपको फॉर्म रिजेक्शन का, फोटो अपलोडिंग में कोई कमी रह गई उसके रिजेक्शन का, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहेगा। अगर आपको एग्ज़ाम देनी है तो फाइनल एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर दो, फीस जमा कर दो, आपकी एग्ज़ाम लग जाएगी। तो एम्स 2019 का बेसिक रजिस्ट्रेशन जनवरी 2019 में शुरू हो जाएगा और फाइनल रजिस्ट्रेशन फरवरी 2019 में होगा MBBS की एग्ज़ाम के लिए। तो मैं सोचता हूँ नीट, JEE मेन जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम हैं, इनमें भी ये PAA सिस्टम्स लागू कर देना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। उनको जिस ईयर में एग्ज़ाम देनी है उसमें फीस जमा करके, फाइनल रजिस्ट्रेशन करके वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। हर साल बेसिक डिटेल और फोटो अपलोड वगैरह का झंझट ही नहीं रहे। तो दोस्तों, अगर फिर भी ये समझ में नहीं आता है आपको PAA, तो मैं आपको यहाँ एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन बेसिक डिटेल का, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, मदर फादर डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, इमेज अपलोड करनी है, फोटो और साइन, वो सिर्फ आपको एक ही बार करना है। उसके बाद आपको यूजर आईडी मिल जाएगी, एक आईडी मिल जाएगी, उसको आप संभाल के रखो। उसके बाद जब जब भी आपने एग्जाम देनी है, जैसे नेक्स्ट ईयर देनी है, उसके नेक्स्ट ईयर देनी है, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है और फीस भरनी है उसकी, और उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि बार बार फॉर्म में कोई गलती का, इस प्रकार का कोई टेंशन ही नहीं है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी एम्स के PAA फैसिलिटी के बारे में। तो और कोई जानकारी मिलेगी हमें, हम आप तक जरूर लेके आएंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियां हम आपके लिए लेके आते रहते हैं।
तो दोस्तों मैं सोचता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।